हेलो, नमस्ते जी अंकिल। कौन? हेलो, मैं तो बउआ बोल रही हूँ, लेकिन आपसे ना एक मिनट मेरे को। हेलो हेलो, हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? आ रही है? क्या आ रही है ना। एक ना थोड़ा प्रॉब्लम था, टेंशन मतलब। बात हो गई? नहीं यार, मैं नहीं सेट कर सकता, छोड़ो। आप क्या बताओ, मैंने मत कर से फोन क्यों कर रहा सर तो प्रॉब्लम था, तो मैंने सोचा आप तो प्रॉब्लम तेरे को बता रहा है, सर बार बार बोले जा रहा है। का प्रॉब्लम बताता हूँ मैं। बता दुनिया में सबसे अच्छा काम क्या है बताइए पहले आप। भाई, दूसरे को खुशी दो, खुद खुश रहो, खुश रहो। खुशी आदमी कैसे दे सकता है एक दूसरे को? सब कोई टेंशन ना हो, एकदम कोई प्रेशर ना हो। क्या ना हो, प्रेशर बस इसीलिए मेरे को मदद चाहिए थी आपकी। मतलब? क्या ना, बचपन से ही हाँ जब भी आती थी क्या दीदी? प्रेशर एक नंबर, हाँ तो मेरे मम्मी पापा ना पीछे से की आवाज निकालते थे। हाँ तो वो तो मुझे क्यों बता रहा है फिर? तो यही तो प्रेशर है, अभी प्रेशर में हूँ, मम्मी पापा है नहीं बगल में, अगर आप कर दो तो मैं थोड़ा शायद। बैक फोन किया मेरे अरे को, भाई तेरे को नंबर किसने दिया एक यार? सेकंड, आपने बोला प्रेशर नहीं होना चाहिए, वाला प्रेशर थोड़ा तो आप बहुत ही एक सेकंड खाली कर दो, मेरे हो जाएगा कसम से। मैं प्रेशर रिलीज हो गया, बड़े तकलीफ में हूँ, इतने दबाव में हूँ। सही बता, एक तो सेकंड बस, चलाने दो दो तीन बार कर दोगे तो हो जाएगा। एक बार कर दो, एक बार कसम से, एक बार और, थोड़ा लंबा वाला। अरे गलत, थोड़ा लंबा वाला और जोर से, बहुत बढ़िया, वाओ, जोर से भाई। मैं मुझे तीसरे गंदा बोल रहे आप। अरे तू एक सेकंड, एक सेकंड, ये आवाज क्या आई? ये क्या गिर गया? ओ क्या अच्छा, वो पथरी थी, वो निकल गई बाहर। बतेरी हमारे यहाँ पे कर्फ्यू लगा था, उसमें पथराव हो गया, दो पथरी अंदर रह गई थी, वही निकल गई। थैंक यू वेरी मच अंकिल। हेलो। हेलो जी अंकिल, नमस्ते। नमस्ते, कौन जी बात कर रहे हैं क्या? कौन? हाँ जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ जी। मुबारक हो, शादी तय हो गई आपकी। शांतनु ने, शांतनु ने बताया मेरे को। अरे बट हमने आपको नहीं पहचाना ना, आपको बोल रहे। मैं बउआ बोल रहा हूँ, शांतनु को तो पहचानते हैं ना, जिसने बताया मेरे को। इसमें काम करता है वो, सेकंड फ्लोर पे। हाँ शांतनु को पहचानते हैं। उसने बताया आपकी शादी तय हो गई, बेड से डहा दी गया। मैंने बोला नंबर दे दो, मैं बात करता हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। क्या बात करनी है आपको? थोड़ा सा अभी बिजी चल रहे हो, बाद में लगा लूँ क्या? नहीं नहीं बोलिए। मैं कह रहा था शादी के बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था मैं। अच्छा, तो लव मैरिज या अरेंज मैरिज है, कैसी क्या प्लानिंग है? मतलब लव प्लस अरेंज है। अच्छा, सेटिंग करवा ली माँ बाप से मेरी। शुरुआत में लड़की जो है, अच्छा, वो शर्माते हुए कहती है आप रहने दीजिए, और अच्छा। कुछ टाइम के बाद वो कहती है मेहरबानी करके रहने ही दो आप। है ना, टाइम पीरियड में थोड़ा चेंज होता है रिलेशनशिप। आप रहने दीजिए से लेकर मेहरबानी करके रहने ही दो आप, है ना, यहाँ तक रिश्ता पहुंच जाता है। पहले अच्छा शुरुआत में लड़की कहती है तुम्हारे जैसा कोई नहीं, फिर अच्छा बाद में कहती है बहुत देखे तेरे जैसे। अच्छा जबरदस्ती हंस रहे हो क्या? यू आर ट्राइंग टू लाफ, और बिजी हो तो बाद में लगाऊं। नहीं नहीं शादी बोलिए। में शुरुआत में कहती है अजी सुनते हो, और कुछ टाइम के बाद कहती है अरे बहरे हो गए हो क्या? तेरा हो गया हो तो बस करे हो। नहीं हुआ नहीं, एक और। पहले कहती है शादी के बाद कि तुम मुझे बड़े नसीब से मिले हो, फिर कुछ दिन बाद कहती हो मेरे नसीब फूटे थे जो तुम मिले हो। हेलो, गलत बोल रहे हो आप, मैं सजेशन दे रहा हूँ आपको। अरे घंटा मेरी बात, पति भी बोलता है, पहले बोलता है कहाँ गई थी मेरी जान, फिर थोड़े टाइम के बाद बोलने लगता है कहाँ मर गई थी। अरे क्यों? शांतनु ने बताया ना तेरी शादी थे। शांतनु के अरे शांतनु। अच्छा लगते जब आप ये चीची किसी से शेयर करते हो। दिस टाइम शांतनु वाज देयर विद मी टू शेयर दिस चीची। गंदा बोल लेना 93.5 रेड एफएम। शादी मुबारक को बजाते रहो अंकिल बउआ बोल। हेलो हेलो, कौन? नमस्ते, कौन बोल रहा है? भैया जी मैं बउआ बोल रहा था। बोल बोल क्या क्या क्या? अरे बता, तो काम में फंसा हूँ, जल्दी बोल क्या है? जल्दी ये कह रहा था मैं आपसे कि मेरे हिसाब से जो मुहावरे हैं ना, मुहावरे, जल्दी बोल क्या कर रहा है? वो मुहावरे सारे घोड़े पर फिट होते हैं, बाकी जानवरों को क्यों परेशान करो, घोड़े पे ही बना लो। जैसे घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, ये एक मुहावरा है। हाँ है। वैसे और भी हो सकता है, जैसे धोबी का घोड़ा
न घड़ का न घाट का। अबे धोबी का घोड़ा नहीं होता है, कुत्ता होता है। कुत्ता धोबी का कुत्ता, न घड़ का न घाट। नहीं, आपको ज्यादा पता होगा ना कुत्ते के बारे में, मैं क्या बोलूँ। नहीं अबे मुझे पता क्या मतलब। सॉरी, घोड़े के आगे बीन बजाना। बने बात कर रहा तू, घोड़े के आगे बीन बजाना कौन सा होता है? तो बीन तो सांप के लिए बजती है ना, तो आप भैंस के आगे बजाओ, ये घोड़े के एक ही बात है। तो बोल रहा एक सेकेंड, घोड़े के मुंह में जीरा, जीरा किसके मुंह में होता है? ऊँट के मुंह में। हाँ, तो जब ऊँट खा सकते हैं तो क्या घोड़े के क्या दांत नहीं है? जीरा नहीं खा सकता घोड़े? कहावत है ना। हाँ, तो एक कहावत ही तो है। अरे सुनो, तू मेरा झूठ, झूठ बोले घोड़ा काटे, बोले कौवा काट। जब कौवा काट सकते है तो घोड़ा नहीं काट? दांत नहीं के घोड़े को? अब आया घोड़ा पहाड़ के नीचे। घोड़ा क्या पहाड़ के नीचे? तुम जब ऊँट आ सकते है तो घोड़ा नहीं आ सकता? अरे कर सकता सब। घोड़ा नहाएगा क्या? एक सेकंड, एक सुनिए, घोड़ा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा? तो क्या घोड़े कपड़े पहने होते हैं क्या? तो घोड़े से तो उसका एक आखिरी, एक आखिरी, हाँ बता। घोड़े के सर से सिंग गायब हो गई, गधे के सर पे सिंग गायब होती है। हाँ, तो आपको तो पता होगा ही ना गधे के बारे में, मैं कहाँ कुछ बोल रही हूँ। गलत बोला, रख दिया, एक आध दो बच गए शायद। आ घोड़े मुझे मार, जब बैल मार सकते तो घोड़ा नहीं। 93.5 रेड एफएम बउआ बोलने बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हो? अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते भैया, किससे बात करनी है? आप इसे कटनी है, दो मिनट लगूगा, ज्यादा समय नहीं ले रहा था मैं, कई लोगों से बात कर रहा था, कई लोग बिजी थे, कई लोग फोन काट रहे थे, लेकिन मेरे को लग रहा है अगर आप दो मिनट के लिए फ्री हो। नहीं भाई, बिल्कुल टाइम नहीं। भैया 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 जी, भैया जी, डेढ़ मिनट, डेढ़ मिनट। बोलो 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 बोलो। मैं कह रहा था मेरा थोड़ा प्रैक्टिस हो जाता कई लोगों से। भाई जल्दी बोलो यार, क्यों दिमाग खराब कर रहा है? नहीं, मैं कह रहा था जो मुहावरे होते हैं ना, मुहावरे उनका मैं थोड़ा इंग्लिश हिंदी समझने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि आप मेरी मदद। इंग्लिश थोड़ी ठीक है ना आपकी? अरे सीने में भाई साहब। अच्छा ठीक है, साठ में मिल, साठ में मिलके कर लेते हैं ना। फॉर एग्जांपल एक मुहावरा ये है, क्लोथ वॉशर्स डॉग कैन नॉट स्टे एट होम नॉट एट द रिवर बैंक। अबे ये तो धोबी का कुत्ता का ना घर का ना घाट का। वाओ, क्लोथ वॉशर्स डॉग कैन नॉट स्टे एट होम नाइदर एट रिवर। वेरी नाइस। एक और है, इफ यू डू नॉट हैव बैम्बू स्टिक हाउ कैन यू मेक लॉर्ड कृष्णास फेवरेट इंस्ट्रूमेंट। हेलो, क्या है? मैं कह रहा था, इफ यू डू नॉट हैव बैम्बू स्टिक हाउ कैन यू मेक कृष्णा, लॉर्ड कृष्णास फेवरेट इंस्ट्रूमेंट। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। क्या बात, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। एक और सुनते, यू डू नॉट, नहीं नहीं नहीं, फोन ए सुन भाई, यू डू नॉट नो हाउ टू डांस, यू डू नॉट नो हाउ टू डांस एंड सेइंग माय बरामदा इज लाइक कुड़कुड़े। ये क्या, नहीं समझा ना? नहीं समझ में नहीं आया। देख, यू डू नॉट नो हाउ टू डांस मतलब नाच न जाने, आंगन टेढ़ा। हाँ, एंड सेइंग माय बड़ामदा इज लाइक कुड़कुड़े। हेलो, अबे कुड़कुड़े कहाँ से आए? कुड़कुड़े भी तो टेढ़ा है ना, तो बड़ामदा भी टेढ़ा। एक लास्ट सुनते बिल्कुल नहीं सॉरी, आपको विद्या रानी कसम। फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई एंड स्टक एट अदालत का कटघरा। अब ये क्या है? आसमान से गिरे, खजूर पे लटके। हाँ, खजूर कहाँ बोला तूने? देखो, अदालत का कटघरा बोला ना, मतलब अदालत में मिलती है डेट, डेट मतलब खजूर, डेट मतलब खजूर। हाँ, डेट को इंग्लिश में ओ, इरफान खान की मूवी, हिंदी मीडियम। सुनो, एक लास्ट, एकदम लास्ट, खान की मूवी, एकदम लास्ट। टर्म्स एंड कंडीशंस ब्रिंग पॉटी। पॉटी क्या है? पॉटी, अरे टर्म्स एंड कंडीशन ब्रिंग पॉटी मतलब नियम एंड शर्तें लागू। अबे पॉटी ऑटी तेरे मुंह पे लगा दूंगा। गलत आदमी, चीची बोल रहे 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, नियम एंड शर्तें ब्रिंग पॉटी। ओ छी यार, सॉरी। हेलो, कैन यू हियर मी? यस, हु इज दिस? हाय, दिस इज बउआ हियर। यस, हिंदी इंग्लिश, व्हाटएवर इज कन्वीनियंट फॉर यू। हिंदी। Are you laughing, ladies? बोला sorry, मैं बउआ बोल रहा हूँ ना, ladies. मैं जानती हूँ कि आपको, आपसे दो तीन मिनट ही चाहिए थे, ज्यादा नहीं, if you are comfortable right now. नहीं नहीं नहीं, आप मुझे थोड़ी देर में कॉल कर लेना। हेलो, कितने टाइम में? पाँच मिनट में। पाँच मिनट में कट, अभी कट, पाँच मिनट में। हेलो, हाय लेडीज। मतलब पाँच मिनट का मतलब पाँच मिनट होता है क्या? मैं कह रहा था कुछ मुहावरे, हिंदी वाले मुहावरे। ओ भाई, मेरे पास टाइम नहीं है। लेडीज दो मिनट।
ओनली दो मिनट, दो मिनट, अरे दो मिनट लगेगा मुहावरे, उसी बारे में मेरे को आपसे बोलना था। पहली बात तो मुहावरे नहीं होता, मुहावरे होता है। सॉरी मैं ड को ड बोलता हूँ। हर काम जल्दी बोल, जल्दी जल्दी, हर कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है और हर नाकामयाब के पीछे मुझे क्या पता, वो तब भी औरत का ही हाथ होता होगा। नहीं नाकामयाब के पीछे थोड़ी जाती है लेडीज लोग, आप देख। You laughing at it, that means it is truth. जो सर झुका के चलते उन्हें कभी ठोकर नहीं लगती। हाँ सही है, वो सीधा खंबे से टकराते हैं, है ना? ब्लडी फालतू का टाइम। एक सेकेंड, सीधी उंगली से अगर घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी। नहीं तो चम्मच लेना चाहिए, उंगलियाँ आजकल कान नाक में कान में सब। अच्छा ना सर, ये सुनील ना रहेगा बांस। ओह गॉड, ना बजेगी बांसुरी। नहीं ना बढ़ेगा पॉपुलेशन, पूछो कैसे। कैसे? बांस का ही तंबू बनता है, तंबू में ही शादी होती है, शादी के बाद ही तो। हेलो हेलो, मेरे पास दो मिनट है, दो मिनट में बात कर। जितनी चादर होती है उतने ही पैर पसारने चाहिए। नहीं उतनी मैचिंग कवर होने चाहिए तकिए के, वरना आप लोग गरीब लगोगे। इतना कहाँ से दिमाग लाया, मैं बता, आसमान से गिरे खजूर बैठ के? नहीं पैर टूट गया, क्या खजूर। अच्छा मुंह में राम, बगल में छुरी? नहीं बगल में बाल होते, छी गंदा। एक आखिरी सुन दे, चिंपांजी, चिंपांजी देखा आपने? चिंपांजी हाँ देखा है। उसकी नाक मोटी क्यों होती है पता नहीं, क्योंकि उसकी उंगलियां भी मोटी होती है ना। भाई हाथ जोड़ वाले लगता है। ओह माय गॉड, नहीं ऐसा मत। ठीक है भाई, ओके, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ नाइस टाइम, न्यू ईयर, एंजॉय योर लाइफ टू द फुलेस्ट, डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, दिल्ली पुलिस सदैव साथ में। हेलो सॉरी, मैंने आपको निद्रा तो भंग नहीं की मैंने आपकी? कौन बोल रहा है? चलो मेरे से आते तो पीछे कोई भंग कर रहा है। चिल्ला, कौन है पीछे? नमस्कार, कौन बोल रहा है भाई? मैं बहुआ बोल रहा था। बोलो। दो मिनट चाहिए। किसकी? किसकी नहीं, क्यों चाहिए पूछ दे किसकी। अच्छा क्यों? मैं कह रहा था ऋषि केस में बहती गंगा, हाँ, चलनी के बाद जो चालते हैं उसके बाद जो आटा निकलता है वो। अच्छा, दिवाली के टाइम हमारा घर। क्यों यार? एक से सॉरी। हेलो, अनुपम खेड का सर? ओ गलत आदमी है। कौन? अनुपम खेर? नहीं आप, ऋषि केस में बहती गंगा, आप पूरे सुन नहीं रहे। दिवाली पे हमारा घर। ओ दिवाली पे पटाखे भी होते हैं, गोला बम डाल दूंगा में। ऐसे गंदा क्यों बोल रहे हैं आप? गंदा तू पता नहीं बात बोल रहा है, आदि पता नहीं डाल रहा है। एक सेकेंड देखो, मैं एकदम साफ बात करता हूँ, आप गलत मत बोलिए। अच्छा कैसे साफ बात कर रहा है? ये सारी साफ बातें तो हैं, अनुपम खेर जी का सर, ऋषि केस की गंगा, एकदम साफ बात। अच्छा ये साफ है। सही है। अच्छा ना, मजा आया ना? चल रहता है, बिल्कुल बहुत मजा आया। दिवाली के बाद अपना घर, मतलब दिवाली की सफाई होती है। तुषार कपूर की पिक्चर में थिएटर, वो भी साफ होता है। हेमा जी जो आड़ो बेचती है उससे निकला हुआ पानी। और तेरी क्या है मतलब, वो कैसे साफ कर लिया कर? कुत्ते के बैठने की जगह वो कैसे, वो भी साफ करके बैठता है, तू भी कर लिया कर। आलिया भट्ट का दिमाग, क्या दिमाग उसका, गलत बोल रहे हैं आप। मतलब क्या बोल रहे हैं वाले से फोन तक, साफ बात कर लूंगा। गलत आदमी। हेलो, साफ साफ बात, ठीक है। हेलो हेलो, हाँ भाई सॉरी, थोड़ा जुकाम हुआ है, नाक बंद है, सर्दी हुई है। क्या मरीज से जाना फिर दवाई लेकर आ? नहीं थी दवाई की बात रही है, जुकाम होते हुए भी आदमी को काम पे जाना पड़ता है। छुट्टी तो छुट्टी नहीं ले पाता है, कौन जिम्मेदार है इसका? कौन जिम्मेदार है? अबे तू बोल कौन रहा है भाई, किससे बात करनी है? मैं मरीज, सॉरी भाई गलत ना बोले, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकिल। हाँ बोल आगे भौंक। हैं? अबे बोलेगा क्या दिमाग खराब कर रहा है? मैं कह रहा हूँ जुकाम के बाद भी आपको काम पे जाना पड़ता है, इसके लिए जो सबसे बड़ी चीज जिम्मेदार है वो है। कौन है? बांस। बॉस? बॉस नहीं, बांस, बांस, बांस। मैं बताता हूँ, देखो कनेक्शन बताता हूँ, आप गुस्सा मत होना। बांस से बनती है बांसुरी।
हाँ, बांसुरी से निकलती है धुन, हाँ, धुन कानों में पड़ती है तो सुंदर लगती है। क्या बात कर रहा है? सुनो, और कान से आता है, कान के नीचे लोग बजाते हैं, है कि नहीं? मैं भी तेरे को बजाऊंगा। एक सेकंड, बजाते तो लोग म्यूजिक भी है। म्यूजिक में सुर और ताल की जरूरत होती है, पर जरूरत तो असली में रोटी कपड़े मकान की, भाई सब सुन रहे हैं आप? हाँ। और मकान की जरूरत के लिए इंसान लोन लेता है। सुनिए, लोन हाँ। का होता है ईएमआई, हाँ। और ज्यादा बड़ा लोन मतलब ज्यादा बड़ा ईएमआई, और ईएमआई ज्यादा बड़ा होता है तो इंसान छुट्टी नहीं ले सकता ना, उसको ईएमआई भरना है, काम करना है, हेल्दी रहना है। उस ईएमआई के चक्कर में आदमी रोज काम पे आता है, चाहे सर्दी हो, चाहे जुकाम हो, चाहे नाक बंद हो, चाहे कान बंद हो, चाहे मुझको पूरा मालूम था कि आप जैसे जलील इंसान इतनी गंदी बात कर सकता है। देखा कैसे मैंने बांस से ईएमआई को जोड़ा, आपको समझ आ गई बात की नहीं? अबे रख, तो यार जब भी आप बांस देखिएगा आप ईएमआई को याद करिएगा, है कि नहीं? तो बांस को रोल करके गलत आदमी, जलील, बेहुदा, बेशरम, गंदा बोल रहा है। 93.5 एफएम बउआ बिल्लू बजाते रहो की नमस्ते जेटवेल सुन। हेलो हेलो, हाँ कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ तो काम बताओ। काम ये था कि आजकल बड़ा पोल्यूशन हो गया है, तो क्या करूँ? शहर में धुआं धुआं सा लग रहा है, तो मैं क्या करूँ भाई? नहीं, इससे आपको क्या लगता है, मतलब क्या है? क्या है? धुआं ही धुआं है, और क्या होता है? पोल्यूशन हो रहा है तो इससे क्या होता है, मतलब खांसी जुकाम बुखार? खांसी जुकाम दिक्कत होती है। अरे आप नेगेटिव बोलते हो, इससे तो पॉजिटिव भी बहुत सारा है। क्या है पॉजिटिव बताइए मुझे। तो इससे क्या होगा ना, ट्रैफिक की सुविधा होगी, पता है कैसे? कैसे? ट्रैफिक दिखाई नहीं देगा, वरना ट्रैफिक दिखता है तो लोग टेंशन में आके कहते हैं अरे इतना ट्रैफिक है, इतना धुआं दिखाई नहीं देगा। क्या करूँ, ट्रैफिक नहीं दिखाई देगा या दिखाई देगा? एक सेकंड, बात से तो कह लेता है। अगर आप इतने मुझे फोन क्यों किया? वही बता रहा हूँ, इसका पॉजिटिव बता रहा हूँ। अब जैसे आपने नेगेटिव छोड़, तूने मेरे पास फोन क्यों किया? अगर आप सड़क पे खड़े होकर खाना खोलेंगे ना, ठंडा खाना, खाना मैं सड़क पे खोलूंगा? नहीं, सपोज घर तो खोलूंगा, अपने ऑफिस नहीं, तो खोलूंगा। आपकी आवाज से तो लग रहा है पार्किंग में खड़े होकर खाना खाते हो, स्कूटर पे रख के। ऐसा है तो फालतू मत बोल। सुनिए, अगर खाना आप सड़क पे खोलेंगे तो ठंडा खाना भी गर्म दिखेगा, बताओ क्यों? क्यों बता, क्यों? चल बता। क्योंकि धुआं धुआं है ना, तो लगेगा खाने में से धुआं निकल रहा है, तो गर्मा गर्म जैसा फीलिंग आएगा। धुआं तेरी को निकाल दूंगा मैं। एक सेकंड, आदमी आदमी एक दूसरे आदमी एक दूसरे से दिल से प्यार करेगा, पता है कैसे? बता कैसे? एक दूसरे की शक्ल धुएं में दिखेगी नहीं, तो दिल से ही प्यार करना पड़ेगा। तेरी गलत बोल रहे हैं आप। एक से अगर दिल टूटने के बाद आपका दिल जला, हेलो, तो लोगों को पता नहीं चलेगा, क्योंकि इतना धुआं है, दिल जलने के बाद धुआं है क्या, वो कौन सा? कुछ और भी जल सके। कुछ और भी जल सके मतलब? दिल के अलावा कुछ और भी जल सकता है। पेट की बात कर रहे हैं आप? पेट? मैं पेट की नहीं, उसकी बात कर रहा हूँ। उसकी मतलब, अच्छा आप आँखों की बात कर रहे हैं, रात को लेट से? नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसकी। अच्छा, चाय, गर्म चाय पीने से जबान जल जाती, जबान की बात कर रहे हैं? अरे उसकी, उसकी गैस है, गैस है ना? हाँ गैस है, गैस है। अच्छा, गला, गला जलने की बात आप कर रहे हैं? तेरी थाली फिर कान से खून आ जाए, कान से तेरी खून निकाल, तू जानता नहीं, तू जैसा इतना गंदा आदमी गाली दे रहा, मैं तुझे जानना भी नहीं चाहता। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे भैया? हाँ बड़े हो गया। हाँ जी, हाँ फ्रॉम, बताओ आप कहाँ रहते हो? मैं घर रहता हूँ। वाह, कायदे से तो औकात में रहना चाहिए भाई साहब। साले ऐसा जाबड़ मारूंगा, कौन बोल मैं बउआ बोल रहा हूँ, एक सेकंड, औकात में इसलिए। सुनिए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और पोल्यूशन काफी कम हो गया, लोग कह रहे हैं। अच्छा, इसका तो सीधा संबंध है। अच्छा, फिर इसका कैसे? औकात बोला ना मैंने, औकात में रहेंगे तो ज्यादा अफोर्ड कर नहीं पाएंगे गाड़ी चलाना, और गाड़ी नहीं चलाएंगे तो पोल्यूशन कम होगा, और देखो इतना बढ़िया मौसम। तुझे बात किससे करनी है पहले तो? आपसे एक मिनट भाई, तू मुझे बता क्यों रहा है? एक सेकंड में बता दो, इंडिया और अफगानिस्तान का मैच टाई हो गया भाई साहब। अच्छा, इसका भी पोल्यूशन पे असर पड़ा। कैसे कैसे? कैसे? अगर अच्छा, हम और... जीत जाते तो लोग कहते यार अफगानिस्तान जैसी क्यूट टीम को आपने क्यों हराया। सुनिए, अगर हम हार जाते तो लोग कहते अरे तुम लोग अफगानिस्तान से हार गए, इसलिए मैच टाई कर दिया, जिससे पोल्यूशन पे असर पड़ा। बताऊं कैसे? हां बता कैसे।
क्योंकि अगर हम जीतते तो सेलिब्रेट करते, सेलिब्रेट करने में पटाखे फोड़ते, और पटाखे से जो धुआं निकलता है उससे पोल्यूशन होता है, इसलिए हमने पटाखे नहीं फोड़े। वरना एनवायरमेंटलिस्ट कौन? कौन एनवायरमेंटलिस्ट? वेंटलिस्ट कौन? कौन तू भी नहीं बोल पा। एनवायर्ड एनवायरमेंट मेंट लिस्ट। अच्छा बोल। एनवायर्ड एनवायरमेंट लिस्ट नहीं मेंटलिस्ट। मेंटलिस्ट मेंटलिस्ट भाई साहब वही मेंटलिस्ट तेरे मुंह पे मारूंगा पैकेट। तो समझे इसलिए पटाखे न जलाने को जिससे पोल्यूशन कम है। और इसलिए मैं सुन मेरी, अब एक मिनट मेरी बात सुन ले। एक पटाखा मैं फोड़ने वाला हूँ तुझे पता है कहाँ? मैं नहीं जानना चाहता हूँ, मैं जानना ही नहीं चाहता हूँ भाई साहब। आप जबरदस्ती बता रहे हैं और ऐसा फोड़ने वाला नहीं फोड़ फोड़ रखी है। आप गलत बात कह रहे हैं। भागेगा भाग जाओ यहाँ से। फोन रख दे चल। चाहे फोन रख दे वरना कौन आएगा? वरना कौन आएगा? एनवायरमेंटलिस्ट हेलो आवाज आ रही है? हेलो बोलिए। अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते कौन? कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बड़ा घना कोहरा, स्मॉग फॉग, पोल्यूशन बहुत ज्यादा, इतना खराब फीलिंग आ रही है कि गले से खराश निकलने का नाम नहीं ले रही। कौन बोल रहा है? मैं बहुआ। नमस्ते जी। अरे नहा लेंदे। नहा लेंदे? हाँ। नहाते हुए फोन उठा लिया आपने? अरे जा रहा था नहाने। एक मिनट लगेगा, एक मिनट। नहाना तो पूरा दिल्ली NCR चाहता है जिससे बरसात हो और बरसात से पोल्यूशन कम हो, और लोग कृत्रिम बरसात की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल रेन। लंबा छोटा नाम बोल, जल्दी जल्दी बोल। जल्दी बोल रहा था मैं, कह रहा था आपसे कि बरसात को करवाने के लिए मैं मौसम विभाग से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, और उनसे मैं कहना चाह रहा था कि पालिका बाजार से कोई सोल्यूशन मिला नहीं मुझे। पालिका में कौन सा सोल्यूशन मिल जाएगा मेरे को? हेलो। हाँ। मेरे को ना सीडी चाहिए। हाँ। थी कौन सी सीडी? अगर पालिका में सीडी लेने जा रहा है गंदे हाथ में क्या पड़ मारूंगा। हेलो वैसी वाली सीडी नहीं क्या? हाँ। पर मेरे को लगा कि अब सीडी है नहीं तो शायद अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान या फिर आमिर खान मेरी मदद कर सके, तभी दिल्ली NCR में बारिश होगी। अबे ये कौन भगवान है क्या ये? हेलो। हाँ। मतलब अरे ये कैसे बारिश? मेरे सेकंड, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान ने साथ में एक पिक्चर में काम किया, पिक्चर का नाम मोहब्बतें। हाँ, तो मैं उनके यहाँ बम्बई जाऊंगा, मौसम विभाग से कहूंगा कि जाइए आप भी। अच्छा। अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान किसी के पास तो मोहब्बत की सीडी होगी। हाँ। वो सीडी लेके फ्लाइट में आऊंगा। अच्छा। और ऊपर से फेंक दूंगा सारी सीडी। फिर बरसात का क्या होगा उससे? नहीं तो मोहब्बत बरसा देना तू, मोहब्बत बरसा देना तू, तुरंत सावन आ जाएगा। हेलो आमिर खान का भी जिक्र किया था मैंने, जिक्र। अब पूछो आमिर खान से बरसात कैसे आएगी? हाँ बता दे। उनके साथ 11 लोग को, सॉरी 10 लोग को और लूंगा, बंजर जमीन पे जाऊंगा, आसमान के ऊपर देखकर ये गाना बजवाऊंगा। अब यही सीडी पालिका में नहीं मिल रही थी और आप वो सीडी की बात कर रहे हो, गलत आदमी। पानी गर्म से मेरे को याद है, एक बार मैंने पानी को अप्रैल फूल बनाया, पता है कैसे? कैसे? गर्म किया और नहाया ही नहीं। बोलो। बजाते रहो अंकिल। नमस्ते। हेलो अंकिल जी। नमस्ते। नमस्ते बेटा, कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहा है? बाप लग रहे हो? कौन बोल रहा है? बेटा बोल रहे हो? सॉरी मैं बउआ, एक मिनट चाहिए आपसे। जनसंख्या वाले जो काउंट करते हैं पॉपुलेशन भारत की, भाई साहब मुझे लगता है उसमें थोड़ी गड़बड़ी है, पता है क्यों? क्यों क्या हो गया? ऐसे क्या है ना कि वो लोग काउंट करते हैं, घर पे जाके पूछते हैं कि आप कितने मेल हैं, फीमेल हैं, बच्चे हैं। अब मैं बता रहा हूँ गड़बड़ कैसे हो गई, कई सारे लड़का लड़की बाहर घूमते हैं वो घर पे नहीं मिलते, क्योंकि वो लगे होते हैं आपस में। नहीं सुनो तो वो गाने में भी लगे होते हैं, तो हम गाने वाले लड़का लड़की काउंट कर रहे हैं, हम सोचे आपसे भी मदद ले लें, अगर आप बता दें कि कितने लड़का लड़की हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये गाना सुनिए, इसमें बताइए कितने लड़का लड़की हैं। लड़की बड़ी अनजानी है, लड़का बड़ा अनजानी। हाँ भाई साहब, एक लड़का एक लड़की। बहुत बढ़िया। अभी क्या ये एक सेकेंड रुकिए, अब इसमें बताइए कितने हैं। तुम लड़की
एक लड़की एक लड़का। अब इसका बता तो एक सेकंड रुकिए, मैं तो एक लड़की एक लड़का, एक लड़की एक लड़का, यानी कुल मिला के दो लड़की दो लड़का। अब इसका सुन लो, इसमें भी बता दो कितने। हेलो, दो लड़के और एक लड़की। कितने लड़के? दो लड़के एक लड़की। नहीं, एक मिनट वापस सुनते। एक लड़का, अब एक लड़का एक लड़की, तो टोटल कितने हो गए? तीन लड़का और तीन लड़की। अबे दो लड़के एक लड़की बोला इसने। अरे पुराना वाला भी काउंट करोगे ना चाचा? अबे क्या ये पागल पंती कर। एक सेकंड रुको, अच्छा फाइनली भाई ये सर, ये एक सेकंड, अब फाइनली इसमें बता दो। बोल नहीं रहे बाबा। एक लड़का एक लड़की, फिर सुनो। हाँ, एक दो पूरे हिंदुस्तान के गिना। गलत कह रहे हैं आप, काउंट करनी है। चीची बोल रहे हैं, तू पागल है, गलत बोल रहे हैं। प्रज्ञा बात ही नहीं करनी आपसे, फोन तू रहा गंदा आदमी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। कितने होगा काउंट करो। दोनों पागल हो गए। हेलो, आवाज। हेलो हेलो, परेशानी में था मैं भैया। हेलो, हाँ अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा था मैं। हेलो, हाँ मैं कह रहा था, मैं जानता हूँ आप मेरे को नहीं जानते, पर मैं एक चीज आपसे कहना चाह रहा था। कोई अगर तकलीफ में है, मैं कई लोगों को फोन मिला रहा था, कुछ लोग थे जो थोड़ा सोल्यूशन बताया बाद में गंदा बोल के चले गए। मैं आपसे अच्छा। थोड़ा दो मिनट चाहिए था। क्या हुआ बेटा? सुबह ना ठीक से हो नहीं पाती, मैं रात को बहुत कोशिश करता हूँ। अब तो हो नहीं पाते, चूरन वूरन खा ले, कुछ गर्म पानी पी ले। चूरन गर्म पानी नहीं, आप समझे नहीं मेरी बात। अरे चल, हेलो हेलो भैया 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 भैया। हेलो, नेटवर्क बड़ा आजकल कट जाता है फोन ना भाई साहब। अबे सॉरी, मैं कह रहा था रात को ना मैं टाइम पे खा भी लेता हूँ, वॉक भी कर लेता हूँ, मोबाइल भी रहता है साथ में, फिर भी ठीक से हो नहीं पाती सुबह। मतलब मैं तो ये इसमें फोन का क्या लेना देना है? नहीं, ठीक से हो नहीं पाती है तो क्या करूँ मैं? और साले ऐसी हरकत रही ना, आपको दुनिया को सुबह सुबह फोन करके हो नहीं पाती, हो नहीं पाती मेरी बात। चूरन खा ले, चूरन का डब्बा खा ले, किसी डॉक्टर से मिल ले पेट के। मैंने मम्मी को भी बताया, आप तो गलत समझ रहे हैं। एक बात बता, मम्मी को बताने से क्या होगा इसमें? तेरी मम्मी करके देगी क्या? नहीं, आप तो 50 बोल दिया। नहीं यार, आप चूरन खा ले, सुन तो लो। हाँ सुनो, शांति है, थोड़ा सा सबर है, एक मिनट सुन। मैं कह रहा हूँ रात को सोने से पहले मैं उसको ना व्हाट्सएप पे एक मैसेज करता हूँ। किसको? अरे उसी को, सोचता हूँ सुबह उसका कोई रिप्लाई आएगा, लेकिन रिप्लाई आता नहीं, ठीक से बात नहीं हो पाती। वही बोले सुबह हो नहीं पाती, ठीक से बात नहीं हो। आदमी मुझे लगा तेरे पेट में टट्टी नहीं हो पाती। आपकी गलती नहीं, ए, मेरी सुबह सुबह कहाँ कर रहा है? मैं वही कह रहा था, जिस आपको क्या लगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ? टट्टी ना, जो जिसके दिमाग में जो रहते हैं ना वो वही सोचते हैं। मैं थोड़ी बोल, मैं तो हमारे दिमाग में हमें उल्टा सीधा बोल रहा। चल, गलत बोल रहे हैं आप। क्या हेलो, चूड़न का डब्बा खिला रहा है, काला नमक दे रहा है, जहर खा ले थोड़ा। तेरे को पता है ह से हक होता है और भ से क्या होता है? भा से भागो होता है। फोन रख। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। आपको ठीक से हो पाती है सुबह? नहीं, मतलब बउआ बोलो नमस्ते अंकल। आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो जी, भाई साहब नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए भैया। वीक ऑन वीक एक चर्चा होती है जहां पर एक सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक मुद्दों पर चर्चा होती है। बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट, आप जैसा एक प्रतिनिधि जनता का, समाज को आईना दिखाने के साथ आगे बढ़ता हुआ। हेलो, अरे क्या चल रहा है? हैं क्या कर रहे हैं भैया? मैं कह रहा हूँ एक छोटी चर्चा है, आप उसमें अगर शामिल हो जाएं, एक सवा मिनट में आपको हम फ्री कर देंगे। कई लोगों को फोन लगा रहे थे, आपका लगा उठा। मेरे को शामिल नहीं, भाई साहब एक मिनट, भाई साहब पागलबंदी नहीं, एकदम शानदार चीज है, करें करें। आगे बोल के इन्होंने सहमति। बैरागी जी, नाचीज किसको कहते हैं भैया? आपने सुना है अक्सर लोग कहते हैं नाचीज को,
बैरागी जी कहते हैं जी जी, नाचीज को बउआ जी। पुराने जमाने से ही सिनेमा में अल्फाज इस्तेमाल होते आए हैं, नाचीज को ये कहते हैं, नाचीज को गैंडा स्वामी कहते हैं। तो नाचीज कौन है? नाचीज असल में वो लोग हैं जो जिम जाते हैं। नाचीज क्या? एक सेकंड, जो जिम जाते हैं मतलब उसको नाचीज कहते हैं, क्योंकि हर आइटम में उनको नाचीज जो है पसंद नहीं। मैं नहीं समझा। जैसे वो कहते हैं बर्गर नाचीज के लाना, मतलब बिना चीज के बर्गर खाते हैं जिम जाने वाले, हेल्थ कॉन्शियस। नाचोज मंगाएंगे वो भी बिना चीज की। पिज्जा मंगाएंगे बिना चीज की। पास्ता नाचीज। ये क्या चल रहा है? वो जो भी चीज, सलाद मंगाएंगे नाचीज के मंगाएंगे। तो बिना चीज के जो खाता है वो नाचीज होता है, और जो जिम जाता है वही नाचीज होता है। हाँ समझे आप, नाचीज को, इस नाचीज को जिम जाने वाला कहते हैं। बड़ागी जी कुछ कहेंगे भैया? इनका नाम क्या बैठाएगी जी? ये गफलत मेहरा हमारे साथ थे। आप गफलत मेहरा है भाई साहब? क्या चल रहा है ये? गलत मत बोल। बैठाएगी जी चिट्ठी, इस बार की चिट्ठी बुटिकाना सिटी के गोल चक्कर पर। वाओ, सिर्फ 100 रुपए में आईटी रिटर्न्स भर के दिग्गज सीए को सस्ती चुनौती देने वाली शिमपारी कुंजी कहती है गाइस रेड एफएम से रॉकिंग। ये सफलता की कुंजी है, शिमपारी नहीं, शिमपारी रेड एफएम से रॉकिंग नहीं, रेड एफएम बजाते रहो। बढ़िया है जी।